बड़ा द बिगेस्ट इवेंट ऑफ माई लाइफ जिस दिन की हमारे दिलीप साहब का एक ऑटोबायोग्राफी बुक रिलीज हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनके जीवन का भी एक प्यारा सा छोटा सा भाग रहा हूँ। और जब आप दिलीप साहब की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एक महान कलाकार कैसे बनता है, कैसे बड़ा होता है। खाली कलाकार ही नहीं बल्कि एक इंसान, महान इंसान बनता है, उसका नाम है दिलीप कुमार। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस टू बी हियर बिकॉज़ दिलीप कुमार साहब इज अ ग्रेट लेजेंड एंड ही इज सो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू बी हियर एंड वी हैव ऑल कम टू पे आवर रिस्पेक्ट्स टू हिम। आई होप ही हैज अ लॉन्ग लाइफ। बहुत ही बड़ा दिन है और मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ यूसुफ साहब का, हमेशा से रहा हूँ, तो मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि ये किताब कब आए और मुझे पढ़ने का मौका मिले उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में। तो आई एम रियली थ्रिल्ड कि आज फाइनली वो दिन आ गया है और हम सबके हाथ में वो किताब होगी और हम पढ़ पाएंगे। प्रसून जी ने एक कविता लिखी है जो मैं पढ़ूंगा, ख़ास प्रसून जी ने कविता आज यूसुफ साहब के लिए लिखी है जो मैं पढ़ के सुनाऊं। जब मैं छोटा बच्चा था 6 साल का, पहली पिक्चर मैंने देखी थी वो दिलीप साहब की, मुझे पता भी नहीं था, बाद में पता चला जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, हिंदी समझ में आई तो पता चला ये दिलीप साहब हैं और वो फिल्म नया दौर, तो उसके बाद मैं दिलीप साहब का फैन बन गया और उनकी हर पिक्चर देखता था। आई फील रियली गुड टू बी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस बुक लॉन्च। आई फील आई एम होपिंग अ लॉट ऑफ सीनियर मेंबर्स ऑफ द इंडस्ट्री विल बी हियर। So it's a very good feeling. Khabar mili nahi hai, really? Oh, really? That's amazing. Congratulations. Yeah. बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि दिलीप कुमार साहब एक लेजेंडरी एक्टर रह चुके हैं और उनके बारे में एक किताब लिखी गई है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड। बिल्कुल, ही इज बीन एन इंस्पिरेशन टू नॉट ओनली एक्टर्स बट अदर्स ऑल्सो इन दिस वर्ल्ड। और एज एन इंस्पिरेशन आई वुड लाइक टू नो हाउ ही अप्रोच हिज रोल्स एंड यू नो व्हाट ही। आज की शाम के बारे में ये है कि यूसुफ साहब की ऑटोबायोग्राफी रिलीज होने जा रही है, तो आप दुआ करें कि जितनी मेहनत से आपने आप सबके लिए बनाई है तो अल्लाह करे आपको उतनी उससे ज़्यादा पसंद आए। खास बातें ये रहेंगी, अभी आप देखते जाइए कि लाइटिंग ऑफ द लैम्प है, फिर उनके फिल्मों के कुछ गाने हैं, उसके बाद कुछ लोग जो उनको बहुत एडमायर करते हैं, जो प्यार करते हैं, अब ये सब हमारी फैमिली है फिल्म इंडस्ट्री की जो आई है, तो वो कुछ कुछ कहेंगे उनके बारे में और फिर बाद में किताब रिलीज होने जाएगी। हर 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 लफ्ज़ मुझे बहुत पसंदीदा है, हर चैप्टर बहुत ख़ास है और इसीलिए मैंने लिखवाया है कि सबसे पहले आप लोग उनके मुँह से सुनें जो बातें आप सबको नहीं मालूम है। आई थिंक दिलीप साहब एक दिग्गज ऐसे हैं फिल्म इंडस्ट्री के जिनके बिना इस फिल्म इंडस्ट्री का नाम कभी नहीं लिया जाएगा। एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि सायरा मैम और दिलीप साहब ने मुझे यहाँ बुलाया ऐसे एक मुकम्मल एक इवेंट का हिस्सा। आई थिंक मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरा उनके साथ तकल्लुफ हुआ और मैं उनको जान पाई, दोनों दिलीप साहब एंड सायरा मैम को, एंड आई एम वेरी हैप्पी। सायरा मैम और दिलीप साहब काफ़ी करीब रहे हैं मेरी और मेरी फैमिली के, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया और मैं शामिल हो सकती हूँ। यहाँ पे बहुत ऐसे बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े स्टार्स आए हैं और मैं बस इस अमेजिंग इवेंट का हिस्सा बन पाई हूँ, उसके लिए बहुत खुश हूँ। तारीफ फिल्में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि कोई सोच सके। दिलीप साहब जब भी पर्दे पर आते हैं, पहले यादें तो सारी फिल्मों के साथ ही है। दिलीप साहब के साथ ऑफकोर्स काम करने का कभी मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी बहुत सारी फिल्में देखी और बहुत सारी यादें थी। उम्मीद अब भी जारी मिलेगा शायद आगे फ्यूचर में। ख्याल ये सही है, बिल्कुल सही है, जैसे मैंने कहा ही इज़ द गॉड, ही इज़ द लेजेंड। जैसे आई थिंक यंगस्टर्स के नॉट पॉसिबली कमेंट ऑन द लेजेंड दैट ही इज़, बट फॉर श्योर येस ऑफ कोर्स। गॉड ब्लेस, विशिंग द वेरी बेस्ट। दे हैव अ लवली वंडरफुल फैमिली नाउ विद अ चाइल्ड एंड आई विश हिम द वेरी बेस्ट। मैं दिलीप साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ और ये उनके लिए तो बहुत बड़ा दिन है, तो मेरे को उनके किसी फंक्शन में आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात। मैं इनको मद्रास में मिलता था जब ये रामा श्याम की शूटिंग कर रहे थे, मैं फर्श की कर रहा था, तो मैं तो इनको देखता रहता था। थैंक यू। तो उनके बारे में क्या कहूँ, उनसे मेरी बहुत बार मुलाकात हुई है, बहुत प्यार से मिलते और मेरे पिता और उनके बहुत नज़दीकी संबंध थे,
वो मेरे पिता के हीरो थे, तो मेरे लिए हीरो से बढ़कर है। और मुझे लगता है आज बहुत बड़ा दिन है कि आज उनके ज़बानी उनकी कहानी हमें पता चलेगी। सो आई एम हियर टू सपोर्ट हिम, विश हिम बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड लॉट्स ऑफ लक। वो तो हर एक्टर की ख्वाहिश रहेगी कि काश उनके साथ एक दिन मिले, पर इस फंक्शन में मुझे, मैं यहाँ पर हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे एक इनवाइट उनका मिला कि आप इस फंक्शन में आए, मुझे लगता है ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी। जब से हम लोगों ने फिल्में देखी है, एक्टिंग देखी है, मुझे लगता है उन्हीं के वजह से है। और उन्होंने जिस अंदाज से अपने आप को तराशा है, जिस अंदाज से हमने हिंदी फिल्में देखी है, वो इन्फ्लुएंस तो हमेशा रहेगा, एक हिंदी फिल्मी पना हमेशा रहेगा। तो इतने सारे आइकॉनिक सीन्स है, आज जब भी मैं जब फिल्में करता हूँ तो कुछ सीन्स कहीं पर उनकी नकल उतारता हूँ या उनकी तरह बोल देता हूँ डायलॉग्स। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर अस ऑल्सो कि कहीं हम कॉम्प्लीमेंट करें, कहीं मजाक नहीं उड़ा रहे, बट यू नो इट्स वाओ, कंग्रेचुलेशन, लॉट्स ऑफ लक एंड कंग्रेचुलेशन। मैं यही कहूँगी कि दिलीप अंकल मेरे लिए एक स्टार नहीं है, एंड ही इज पार्ट ऑफ द फैमिली, और मैं यहाँ एक फैमिली मेम्बर की हैसियत से आई हूँ। लेकिन उनकी जो लाइफ है और उनकी जो करियर ग्राफ है, आई थिंक दैट हैज़ बीन, ही इज़ अ लेजेंड एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हिम अमंगस्ट अस, एंड आई थिंक दिस बुक विल बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू मी। मेरे लिए बहुत ही आई थिंक स्पेशल इंसान है, क्योंकि उनकी जो क्लोजनेस मेरे पिताजी के साथ थी, बहुत ही वो क्लोज रहे हैं, और बचपन से ही हम नेबर्स रहे हैं। सो ही इज़ ऑलवेज बीन अ सरोगेट फादर टू मी, एंड सो येस ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी वेरी, अभी तक उसका कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ नहीं है, जब थोड़ा सा नो येट। सो आई, रणवीर इज़ माई फेवरेट एक्टर।